बिहार के बांका के बेलहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कुल 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू के जहां लालधारी लाल यादव को मैदान में उतारा है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने रामदेव यादव को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी दाव आजमा रहे हैं। सभी उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गिरधारी लाल यादव के सांसद बन जाने के बाद बेलहर सीट खाली हुई थी, जहां 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 24 अक्टूबर की काउंटिंग होगी। गिरधारी यादव ने अपने भाई लालधारी यादव को जेडीयू का उम्मीदवार बनाया है। इस कारण क्षेत्र में कहीं कहीं परिवारवाद को लेकर रोष भी देखने को मिल रहा है। बांका के बेलहर विधानसभा सीट में कुल 3,03,130 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में चांदन, बेलहर और फुल्ली डूमर प्रखंड आते हैं। चुनाव के लिए कुल 329 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव संपन्न कराने की पूरी तैयारी। हालांकि बेलहर विधानसभा क्षेत्र काफी विस्तारित है, जंगल और पहाड़ से घिरा होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कम विकास हुआ है। पहली बार चुनाव लड़ रहे जेडीयू उम्मीदवार सर्वांगीण विकास करने का वादा लोगों से कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका नहीं पूरे बिहार को लूटने का काम किया है। वहीं जनता का कहना है कि सिंचाई का साधन नहीं है, पेयजल की व्यवस्था, सड़क पुल पुलिया नहीं होने के कारण काफी दिक्कतें हो रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बेलहर सीट पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीते दिनों हमने आरजेडी का वर्चस्व देखने को मिला है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आरजेडी थोड़ा सा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि रामदेव यादव का वर्चस्व माना जा रहा है। वहीं परिवारवाद कहीं जेडीयू को भारी न पड़ जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।